ये जीवन कहानी उस महान व्यक्ति की है जिनकी स्मृति में यह स्मारक निर्माण किया गया है। मम्मी, क्या मैं खुद खा लूं? ठीक है, कपड़े बचाकर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वो यहाँ क्यों आ रहे हैं, समझ नहीं आता। मुझे भी नहीं। उनका जो पत्र मिला है उसके हिसाब से भी वो रास्ते में होंगे। उनका जहां चंद दिनों में यहाँ न्यूयॉर्क पहुंच जाएगा। मैं क्या कर सकता हूँ, आखिर वो 70 साल के बुजुर्ग जो अमेरिका में किसी को नहीं जानते। तो तुम क्या सोचती हो? कम से कम किसी को लेने तो भेजना ही होगा ना। और उनके आने पर हमारा गेस्ट रूम जो है वो 70 साल का पूरी तरह अजनबी, वो कोई रिश्तेदार भी नहीं है, हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, और तुम उसे घर पर रखना चाहते हो? मैं खुद चक्कर में हूँ, तुम्हारे पास कोई उपाय? खैर, मुझे सोचने दो, उम्मीद है कोई रास्ता निकल आएगा। ग्रहण सर्विस क्रमांक 124 अभी न्यूयॉर्क पहुंची है, गेट नंबर 27 पर। ग्रहण सर्विस क्रमांक 124 अभी न्यूयॉर्क पहुंची है, गेट नंबर 27 पर। स्वामी जी, मेरी पत्नी सैली और हमारी बेटी पामेला। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आपसे भी मिलकर खुशी हुई। हेलो पामेला, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ, धन्यवाद। सफर अच्छा रहा? बहुत अच्छा, आराम से सोता हुआ आया। आपके लिए YMCA ठीक रहेगा? हाँ, बहुत अच्छा रहेगा। क्षमा चाहता हूँ, मेरे कारण आप लोगों को कष्ट हुआ। ऐसी कोई बात नहीं स्वामी जी। हाय हनी, क्या बात है? मैं अपने ही घर में धूम्रपान नहीं कर सकती? बेहतर है तुम उनके सामने सिगरेट ना पियो। क्यों नहीं? ये हिंदुस्तान नहीं है, सिगरेट में कोई बुराई नहीं। वो हमसे उम्र में बड़े हैं और ऊपर से संत पुरुष। तुम उनके सम्मान के लिए संयम नहीं रख सकती? ठीक है, मैं उनके सामने नहीं पीऊंगी। ईश्वर एक अलौकिक व्यक्तित्व है, वो महान है, ना ही कोई उससे बड़ा है और ना ही उसके समकक्ष। ईश्वर न हिंदू है, न क्रिश्चियन और न मुसलमान। सभी धर्म उसी की बात करते हैं। धर्म हमें उसके करीब जाने का मार्ग दिखाता है और बताता है कि हम उसे कैसे चाहें। हम सब के सब उसके अंश हैं, इस कारण से हम उसके बहुत नज़दीक हैं। वो हमें अपने पास बुला रहा है, हमारा इंतज़ार कर रहा है। अगर हम श्रद्धा से उसको याद करेंगे तो निश्चित तौर पर वो हमें अपने पास बुलाने की पूरी व्यवस्था करेंगे। इसलिए हम सबको श्रद्धा से ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए कि हे कृष्ण, हमारी मदद करो। स्वामी जी, एक प्रश्न कर सकता हूँ? आप ईसा मसीह के बारे में क्या सोचते हैं? यीशु परम पिता के पुत्र हैं। वो हमारे प्रभु से संबंध की याद दिलाने आए थे। क्या आप यीशु को प्रभु स्वीकारते हैं? ओ हाँ, अवश्य। स्वामी जी, मेरा भी एक प्रश्न है। कहो। आपने कहा हमें श्रद्धा से प्रभु की प्रार्थना करनी चाहिए। हाँ, उनकी महिमा गान ही उनकी प्रार्थना है। कृपया आप समझाएंगे हम ये कैसे करें? प्रभु एक ही है और उस प्रभु तक पहुंचने का मार्ग भी एक ही है। हर धर्म हमें बस यही एक रास्ता बताता है। ये सुनकर विश्वास बढ़ता है। वैदिक ग्रंथों के अनुसार हमें इस युग में प्रभु के नाम का जाप करना चाहिए और केवल प्रभु के नाम के उच्चारण से ही हमें मुक्ति मिल सकती है। तब हम पवित्र हो जाते हैं और उनके पास जा सकते हैं। आपका मतलब है कैथलिक तरीके से माला लेकर जाप करना? हाँ, कुछ वैसा ही। देखो, ये है मेरी माला। आपने कहा प्रभु नाम का जाप करो, ये हम कैसे कर सकते हैं? आसान है, प्रभु बहुनामी है। हर नाम उनके गुण और लीलाओं को बताता है। कृष्ण का अर्थ है सर्व आकर्षक, राम का अर्थ परम आनंद और हरे में उनकी आत्मिक शक्ति निहित है। इसलिए हम उसे भजते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वामी जी, जरा इस तरफ। हाँ ठीक है, हाँ बस ऐसे ही रहिए। हाँ हाँ। जा रही हूँ माँ, लौटते समय फल लाना मत भूलना। ठीक है, शाम को मिलते हैं माँ। स्कूल से सीधे घर आना। हाँ, और कॉफी। वो कौन है इस फोटो में? ओ, ये एक भारतीय स्वामी इन दिनों बटलर में हैं। एक भारतीय स्वामी बटलर में? हाँ, ये बटलर का सौभाग्य। मेरे शिष्य से जरूर सुनना चाहेंगे। क्या वे अंग्रेजी बोलते हैं? लेख के अनुसार धारा प्रवाह। हेलो हेलो, मैं बात कर सकता हूँ भक्ति वो स्वामी प्लीज? वो इस समय यहाँ नहीं है। दरअसल वो यहाँ नहीं रहते, वो YMCA में रुके हैं। मैं प्रोफेसर एलन लॉर्सन। हाँ, जब वापस आएंगे तो कह दूंगी, जल्दी आ जाएंगे। आप अपना नाम और फोन नंबर मुझे क्यों नहीं देते? वो आएंगे तो बता दूंगी। हाँ, प्रोफेसर लॉर्सन, स्लिपरी रॉक स्टेट कॉलेज। विषय छात्रों को संबोधन। ठीक है, मैं सोचती हूँ पसंद आएगा। 257-3156। जी, मैं कह दूंगी। धन्यवाद। अच्छा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे, मैंने कहा बच्चे अजनबियों को घूरो मत। चलो। हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा स्वामी। प्रोफेसर लॉर्सन जी, मेरा सौभाग्य आपके दर्शन हुए। मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। हम चल सकते हैं? आपकी महानता है जो संक्षिप्त सूचना पर आने को आप राजी हुए। बिल्कुल नहीं, मेरा सौभाग्य है। मैंने अखबार में आपका लेख देखकर यह तय किया। मेरे प्रति सहृदयता के लिए आपका धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि मेरे हर विद्यार्थी को आपको सुनने का मौका मिले, इसलिए मैंने 2 सत्र रखे हैं। क्या ये पर्याप्त होगा आपके लिए? हाँ, ये ठीक रहेगा। ये काफी चुनौतीपूर्ण होगा। मुझे सदा ही चुनौतियां पसंद रही हैं। जब मैं छात्रों से परिचय कराऊं तो मैं आपका सही नाम उच्चारित करना चाहूंगा। क्या आप उसे सुधारने में मदद करेंगे? भक्ति वेदांत। भक्ति वेदांत, बिल्कुल सही। क्या आप इसका अर्थ समझाएंगे? भक्ति का अर्थ है प्रभु की शक्ति, वेदांत का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान का अंतिम सार। तो भक्ति वेदांत का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान का अंतिम सार, यानी प्रभु का प्रेम। क्रिश्चियन व्याख्या भी यही है। हाँ, शिक्षा तो दोनों की एक ही समान है, चाहे यीशु हो या कोई वेद। प्रभु एक है। जिस प्रभु की बात यीशु करते हैं, उनमें और कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान में कोई अंतर नहीं है। गॉड का संस्कृत शब्द है ईश्वर, जिसका अर्थ है वो जो समस्त ऐश्वर्यों से संपूर्ण है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञाता हैं, वो सारी सुंदरता से युक्त हैं। प्रकृति के हर क्रियाकलाप पर उनका नियंत्रण है। वो सर्वव्याप्त हैं। इन सभी गुणों से सुसज्जित हैं। वो आकर्षक हैं, वो महान रचयिता हैं। सब कुछ वो ही संभालते हैं। वो हमारी इतनी देखभाल करते हैं और वो ही हमारे हृदय में भी रहते हैं। हम अपनी अज्ञानता के कारण आज भौतिक चीज़ों में डूबे रहते हैं। इस लोक में विभिन्न योनियों की यात्रा करते हुए एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर बदलते रहते हैं। लेकिन जब हम ये मानव जन्म पाते हैं, तब हमारे पास एक विकसित समझ होती है प्रभु को जानने की। अर्थात हमें इस मानव शरीर का उपयोग अपने आत्मज्ञान को बढ़ाने और परमात्मा से आत्मिक संबंध निर्मित करने के लिए करना चाहिए। किसी को और कुछ पूछना है? आपने कहा ईश्वर ने यह संसार बनाया, आप समझा सकते हैं कैसे? जब भगवान पैदा करता है तो उस तरह नहीं होता जिस तरह मनुष्य बनाता है। केवल भगवान की दृष्टि से ही इस भौतिक प्रकृति में प्राण डाले जा सकते हैं। उनकी उपस्थिति के कारण जड़ पदार्थ जीवित हो जाते हैं और भौतिक प्रकृति सजीव हो जाती है। स्वामी जी, आप अमेरिका में कितने दिन रुकेंगे? ये मैं नहीं जानता। ये यहाँ की स्थितियों पर निर्भर करता है। यानी लोगों पर आपके शिक्षा का असर देखकर। हाँ, ये कौन कौन से पेड़ हैं? बलूत के पेड़। ओह, अमेरिका एक बहुत सुंदर देश है। यहाँ पर हर तरफ पेड़ ही पेड़ हैं। प्रकृति ने अपनी सुंदरता यहाँ बिखेरी हुई है। आप ऐसा सोचते हैं? हाँ। पर क्या बताएं, अधिकतर अमेरिकी इसकी कद्र नहीं करते। ओह, अच्छा, अगले लेक्चर का समय हो गया, अब हमें चलना चाहिए। चलिए। आहा आहा, आ जाओ आ जाओ, उठो राजा बेटा। हमारी वैदिक संस्कृति में बच्चे के विकास में माँ के प्रभाव को बहुत महत्व दिया गया है। उसे छोटी उम्र में शिक्षित करने की जिम्मेदारी माता की है। क्या मतलब? बच्चे के जीवन की शुरुआत में उसे बहुत कुछ सिखाना होता है, इसलिए माँ गुरु भी होती है। गुरु? वो बहुत कुछ सिखाती है, इसलिए वो गुरु की तरह है। ये देखना माँ की जिम्मेदारी है कि बच्चा संस्कारों को सीखे और अन्य चीजों को जाने। ये तो कभी नहीं सोचा। आ जाओ, शाबाश राजा बेटा। वाह 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 वाह, तुम काफी समझदार हो। हाँ, ये कुछ सब सा लगता है। देखो ना, ब्रिज अपने पैरों पर अपने आप खड़ा हो गया। स्वामी जी दोपहर से कोशिश कर रहे हैं और उसने अभी पहला कदम बढ़ाया। अच्छा, हाँ, तुम तो चलने लगे। स्वामी जी, हमें पता है आप वो बर्तन उपयोग में नहीं लेते जिनमें तामसिक भोजन बना है, तो हम नए खरीद लाए। अच्छा, तुमने बहुत ठीक किया। देखिए, तुम्हारा ये रसोई घर बहुत सुंदर है। धन्यवाद। हम कुछ सब्जियां भी लाए हैं, आशा है आपको अच्छी लगेंगी। हाँ, ये बहुत अच्छी हैं। हाँ। स्वामी जी देखिए, मैं ये मसाला लेकर आई हूँ। पहले मैंने कभी भारतीय मसाला नहीं खरीदा, पर लगता है ठीक है। हाँ, ये जीरा बहुत अच्छी किस्म का है। क्या ये गैस स्टोव है? हाँ। सामान्यतः भारत में लकड़ी और कोयले पर ही पकाते हैं। वहाँ रसोई भी अलग होती है। यहाँ आने से पहले मैं वृंदावन में रहता था और वहाँ मैं उपलों पर भोजन बनाता था। हाँ, मुझे याद है, बचपन में माँ को भी सूखे गोबर पर भोजन बनाते देखा है। हाँ, उस भोजन का स्वाद ही अलग होता है। तुम वैसे बनाना चाहोगी? मजा आएगा। आज मैं तुम्हें भारतीय खाना बनाना सिखाऊंगा। हाँ हाँ, जरूर। देखो, जब खाना बन जाता है तो हम सबसे पहले भोग लगाते हैं उस परम शक्ति प्रभु भगवान कृष्ण को। ये सच है कि हम ये सब उसे खुश करने के लिए करते हैं, जिस वजह से हमारी ये सारी क्रियाएं पवित्र हो जाती हैं। इसलिए हम सब कुछ समर्पित करते हैं भगवान कृष्ण को। अब मैं बताता हूँ कैसे। हाँ, जरूर। क्या मैं सब्जी काटने में मदद करूँ? क्यों नहीं। जब तक तुम सब्जी काटोगे, सहेली और हम दाल चावल पका लेंगे। बोलो। हेलो मिसेस कोहेन। अरे आइए, अंदर आइए, अंदर चलिए। ठीक है। क्यों ना हम यहाँ बैठ जाएं? यहाँ खुला खुला सा है। हाँ, ये भी ठीक रहेगा। चलो वहाँ जाके बैठे, मैं आप लोगों के लिए कॉफी ले आती हूँ। स्वामी जी केवल शाकाहारी नहीं है, बल्कि ये चाय कॉफी भी नहीं लेते। अच्छा, कोई बात नहीं, तो मैं इनके लिए नारंगी का रस ले आती हूँ। ये ठीक रहेगा स्वामी जी? हाँ, ये ठीक रहेगा जी। अच्छा। बटलर के लोगों का व्यवहार दोस्ताना है। ये मिसेस कोहेन यहाँ बटलर में काफी लोकप्रिय है। लोग इन्हें बेहद पसंद करते हैं। ये बहुत अच्छी हैं। यहाँ स्कूल में पैमेला की कई सहेलियाँ हैं। स्वामी जी धन्यवाद। योगी ये लो, अच्छे से पकड़ना। शुक्रिया। शुक्रिया कैसा? तो स्वामी जी आप चाय कॉफी क्यों नहीं पीते? मेरा सवाल बुरा तो नहीं लगा? जब कोई ईश्वर के पथ पर चलता है तो वो किसी प्रकार का नशा नहीं करता, चाहे कॉफी चाय ही क्यों ना हो। बड़े कठोर नियम का पालन करते हैं आप। हाँ, आध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले को कठोर नियमों एवं अनुशासन का पालन करना पड़ता है और उसे उन सब वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है जो उसके मन को दिखाती हैं। इसलिए वो कोई नशा नहीं कर सकता है, वो मांस मछली आदि भी नहीं खाता है, अनैतिक शारीरिक संबंध एवं जुए आदि से दूर रहता है। तभी वो पवित्र मन और पूर्ण आस्था से अपना ध्यान ईश्वर में लगाता है। हे स्वामी ईसा मसीह, क्या कहा तुमने? स्वामी ईसा मसीह, ये स्वामी ईशु कह रही है। और ये नन्ही बच्ची सबको राह दिखाएगी। ये है बेंजामिन फ्रैंकलिन, विश्वविद्यालय के संस्थापक, बड़े मशहूर शोधकर्ता, लेखक और राजनीतिज्ञ। तो आप बेंजामिन फ्रैंकलिन को जानते हैं? इन्हें सब जानते हैं, ये बहुत प्रसिद्ध हैं। ईश्वर केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि नाम है एक विश्वास का। इस संसार की सर्वोच्च शक्ति जो बताती है कि वो महान है, वो हर पल में समाई है, ना तो कोई इससे बढ़कर है और ना ही बराबर। वो निर्माता और संचालक है इस सृष्टि का, वही हमें हर परिस्थिति में संभालता है, ठीक एक अच्छे पिता की तरह। इसीलिए तो हमारा उससे वही संबंध है, और जब हम उसकी तरफ चलेंगे, जब अपने आप को उसे सौंप देंगे, अपने दिल में बसा लेंगे, तो खुशी मिलेगी। हे, वहां क्या देख रहे हो? उसके चारों तरफ एक अद्वितीय प्रकाश जैसा है। कहाँ उस सन्यासी में? हाँ, क्या तुमने कभी ऐसा प्रकाश देखा है? नहीं, लेकिन वो चमक रहे हैं, उनमें है। तुमने कोई नशा तो नहीं किया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भ्रम नहीं हो सकता, वो सचमुच प्रकाशमान है। कुछ भी नहीं। तो तुम ऐसे खोए खोए क्यों हो? विश्वास करो, आज जो मैंने देखा वो एक चमत्कार जैसा था। क्या हुआ? देव और मैं साथ जा रहे थे, तभी कैंपस के पास एक तेजवान भारतीय सन्यासी को देखा। वो बहुत उजला था। वो उजलापन जो आंतरिक होता है, भीतर का होता है। वह क्या कर रहा था? पता नहीं, मैं इतना जानता हूँ मुझे वैसा उजला साफ होना है। मुझे लगा जैसे किसी दूसरे लोग से आया हो। आश्चर्य, कौन था वो? वो हमारे साथ 1 महीने तक रहे और अपने से लगने लगे। वो हमारे परिवार का हिस्सा बन गए। दरअसल हमारे ही नहीं, वो पूरे बटलर समाज का हिस्सा बन गए हैं। मुझे उनकी चिंता होती है। जब उन्होंने फिलाडेल्फिया यूनिवर्सिटी के आमंत्रण पर भाषण देने के लिए वहां जाना तय किया, तो मुझे लगा एक दिन में वापस आ जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा अब वो वापस न आकर फिलाडेल्फिया से न्यूयॉर्क चले जाएंगे। वो वहां किसी को नहीं जानते। मेरा दिल ये सोचकर धक से रह गया कि वो उस विशाल और क्रूर शहर में अकेले होंगे। न्यूयॉर्क में आपका स्वागत है स्वामी जी। धन्यवाद मिश्रा जी, आपने मेरी बहुत मदद की। एक मिनट, मैं आप सबको अपने एक खास मेहमान से मिलवाना चाहता हूँ। ये स्वामी भक्ति वेदांता कलकत्ता से हाल ही में अमेरिका आए हैं। मैं बहुत समय से वायु दोष से पीड़ित था, परंतु आपके बनाए गए भोजन को खाकर मैं स्वस्थ हो गया। इसका कारण यह है कि यह सामान्य भोजन नहीं था, अपितु कृष्ण प्रसाद था। प्रसादे सर्व दुखा नाम हनिरश्य पोजायते, अर्थात कृष्ण प्रसाद सभी कष्टों को हरने वाला है। क्या बात है स्वामी जी। कृष्ण पर आपका विश्वास अनुकरणीय है। मुझे लग रहा है आपके संपर्क में रहकर मैं भी कृष्ण भक्त हो जाऊंगा। डॉक्टर मिश्रा, अगर मैं आप में विश्वास पैदा कर सका तो मैं इसे अपने जीवन की महानतम उपलब्धि मानूंगा। अरे अरे स्वामी जी, मैं कोई नास्तिक नहीं हूँ, मैं भी वेदों को मानता हूँ। तो तुम्हारा क्या निष्कर्ष है? वेदों में लिखी बातें पूर्णतः सत्य होती हैं। सारे रूप, आकार एवं विशेषताएं सब कुछ मात्र एक भ्रम है और अंत में सब एक ब्रह्म में लीन या समा जाते हैं। नहीं, ये वेदांत दर्शन की गलत परिभाषा है। क्या वेद ये नहीं कहते कि अंतिम परिणति निराकार एवं निर्गुण ब्रह्म है? हाँ, ये केवल आकार के विषय में है, किंतु उसके विशेषताएं और ऊर्जा भौतिक नहीं होती। तर्क से देखें तो हर रूप की सीमा होती है। क्या इसका अर्थ ये हुआ कि वो जिसने सृष्टि का निर्माण किया वो संचालक शक्तिहीन है? ये शंकराचार्य का मत है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि शंकराचार्य क्यों आए। पद्म पुराण में स्पष्ट उल्लेख है, मायावादम अशस्शास्त्रम प्रच्छन्न बौद्धम उच्चते। मायावाद भौतिक ग्रंथ का विकृत रूप है और बुद्धिज्म प्रभावित भी। आप कहना क्या चाहते हैं, शंकराचार्य गलत थे? नहीं, वो गलत नहीं थे, लेकिन उन्होंने वेद ग्रंथों के साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ किया था। ये आपका विचार है? नहीं, वेदों का सार सिर्फ एक ही है, लेकिन उसके अनर्थ कई हो सकते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि क्या सही है? ये तुम्हें खुद खोज निकालना होगा, साधुओं के संसर्ग से। नहीं नहीं, रुको, मैं देता हूं अभी। स्वामी जी, मुझे क्यों नहीं परोसने देते? क्योंकि आपके हाथ जूठे हैं। मेरे हाथ गंदे कैसे हो सकते हैं? मैं तो छुरी कांटे से खा रहा हूं। ऊपर से जूठे ना भी दिखें, परंतु सूक्ष्म रूप से होते हैं। स्वामी जी, आप सत्य कहते हैं। खाना खाने वक्त कुछ और छूने पर मेरी माँ भी नाराज होती थी। तो फिर तुम क्यों छूते हो? जब हम उस निर्माता की बात करते हैं, हम उसे एक व्यक्तित्व मानते हैं। वो सर्वोच्च शक्ति, वो हमारा परम पिता है। हम उससे प्रेम की डोर में बंधे हैं। इसी प्रेम की डोर को मजबूत करना ही हमारा ध्येय होना चाहिए। यही सच्ची प्रार्थना है, यही सही योग है। लेकिन मेरे विचार में तो योग मस्तिष्क विकास का साधन है, जिससे हम प्रभुत्व को प्राप्त करते हैं। नहीं, तुम ईश्वर नहीं बन सकते। ईश्वर एकमात्र ईश्वर है। हम सभी तो केवल उसके अंश मात्र हैं, उसके भक्त हैं। स्वामी जी, ध्यान किसे कहते हैं? ध्यान का अर्थ है सर्वशक्तिमान प्रभु को पूरी तरह अपने मस्तिष्क में बसा लेना, जो हम सब के हृदय में वास करता है, जैसे प्रकाश। किंतु आज की परिस्थितियों में मैं मानता हूं कि किसी प्रकार एकाग्रचित होना असंभव है, खास करके न्यूयॉर्क जैसे महानगर में। नहीं, हम सभी सांसारिक हैं, इसलिए भक्ति योग अपनाएं। समर्पित कर दें स्वयं को भगवान कृष्ण के पावन चरणों में। यही एक रास्ता है। इस तरह से स्वामी जी, आप हमें कोई भजन क्यों नहीं सुनाते? वो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, वंदे अहम श्री गुरु श्री उत्पद कमलम। हाँ हरवे, कब जा रहे हो कैलिफोर्निया? इसी हफ्ते में। मैंने सारा सामान बांध रखा है, तब तक मैं यहीं जेनी के साथ रहूंगा। हार्वे, तुम कैलिफोर्निया जा रहे हो क्या? हाँ। तुम्हारी जगह कोई और आया क्या? अभी नहीं, मैं आजकल जगह की तलाश में हूँ। अच्छा, इस आदमी से मिल लो। उससे कहना कि तुम मेरे दोस्त हो और किराए पर रहने की बात करना चाहते हो। बहुत अच्छा, धन्यवाद। कोई बात नहीं, मजा करो। आ गई। ये आ गया आपका नाश्ता। ये कॉफी यहाँ रखो, ये मेरी कॉफी। आपकी कॉफी, ये कुछ बंस। कॉफी गर्मा गर्मा। और ये किसका था? ये मेरा। हाँ, और कुछ लेंगे आप खाने के लिए? शुक्रिया। तुम लोगों की डॉक्टर मिश्रा के मेहमान वक्ता के प्रति क्या राय है? क्या नाम था उसका? भक्तिदान या कुछ ऐसे ही? भक्ति वेदांत। औरों का तो पता नहीं, पर मुझे लगा स्वामी जी द्वारा प्रभु के मानवीय स्वरूप की व्याख्या में डॉक्टर मिश्रा ने दिलचस्पी नहीं ली, और जिस तरह उन्हें रोका गया बिल्कुल गलत था। सचमुच उनको सुनना बहुत ही दिलचस्प था। तुम सोचते हो डॉक्टर मिश्रा उससे जलते हैं? तुम्हें नहीं लगता कि उन्हें रोका गया? वो उखड़ गए थे। उन्हें लग रहा था कि सब स्वामी जी से प्रभावित हो रहे हैं। यद्यपि मैं वहाँ नहीं थी, पर लगता है तुम्हारी राय डॉक्टर मिश्रा के विषय में अच्छी नहीं है। नहीं क्या, वहाँ सबने महसूस किया है, यहाँ तक कि हार्वे तो कहता है डॉक्टर मिश्रा स्वामी जी से जलते हैं। हाँ सही बात है। चलो माना मैं गलत हूँ, पर जनाब जब डॉक्टर मिश्रा को पसंद नहीं करते तो उनकी क्लास में क्यों जाते हो? देखो नाराज मत हो सैंड्रा, इसमें शक नहीं है कि हम डॉक्टर मिश्रा से प्रभावित है, पर स्वामी जी से हम ज्यादा प्रभावित हैं। हाँ उनमें कुछ खास तो है, उनकी सादगी का आकर्षण या फिर मीठी गंभीर आवाज की गहराई। मुझे लगता है कल गैर हाजिर रहकर मैंने बहुत कुछ खो दिया है, क्या पता मैं भी उनके प्रेम में डूब जाती। 70 साल के बुजुर्ग हैं। हाँ इसके बाद भी। ये मजाक नहीं है, दरअसल वो बहुत ही शांत है, शायद ये उनका ज्ञान ही है जो हमें उनकी तरफ इतना आकर्षित करता है। मुझे ये विचार पसंद आया कि ईश्वर हमारे पिता जैसा है जो हमें चाहता है, एक शक्ति जो तुम्हारी देखभाल करती है, एक श्रेष्ठतम व्यक्तित्व। कार ने बताया था कि शनिवार को यहाँ पार्क में लोक संगीत का कार्यक्रम होने वाला है, चलोगी? मजा आ जाएगा। वो क्या है? अरे वो स्वामी जी है ना वहाँ। मैं नहीं जानती, चलो चलकर पूछते हैं। मिलना चाहोगी? चलो चलकर देखते हैं। माफ कीजिएगा स्वामी जी। ओह नमस्ते, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, ये मेरी मित्र सैंड्रा। नमस्ते। नमस्ते। तुम मेरे आखिरी सत्र में नहीं आए? दरअसल मैं काफी व्यस्त था, पैसों को लेकर कुछ दौड़ धूप। तो अब आप लगातार क्लास लेंगे ना स्वामी जी? देखो अगर मुझे खुद अपनी क्लास चलानी है तो उसके लिए मुझे खुद की जगह चाहिए, यद्यपि ये बड़ा मुश्किल काम है, पर मुझे संतोषजनक स्थान मिल नहीं पा रहा, विशेषकर मेरी ज़रूरत और पैसे के हिसाब से। देखिए हार्वे कैलिफोर्निया जा रहा है, वो स्थान आपके लिए आदर्श होगा। उसने वह जगह अपनी वापसी तक के लिए डेविड को दी है। खैर डेविड आपका सम्मान करता है और वो आपको साथ जरूर रख लेगा स्वामी जी। हार्वे से मिलकर मैं उससे भी बात करता हूँ। ये बहुत अच्छा रहेगा। हार्वे मेरे पास आया था 1-2 बार, पर कभी जिक्र नहीं किया कि वो कैलिफोर्निया जा रहा है। उसने अभी हाल में ही तय किया है और सबको जल्दीबाजी में हुआ, पर मुझे विश्वास है कि मैं बात कर लूंगा। उनसे बात कर लो। ठीक है, मैं हार्वे और डेविड दोनों से बात कर लूंगा, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। आपके रहने की व्यवस्था हो जाएगी। धन्यवाद। धन्यवाद। हे दिखता नहीं है। माफ कीजिए, इस तरफ। ए सुनो सुनो, तुम्हारे पास एक सिगरेट होगी? एक सिगरेट। सुनो एक सिगरेट। सुनो जाने दो। स्वामी जी सुना है डेविड शाकाहारी बनने को तैयार है। ये तो बहुत अच्छा है, समझ कर चलिएगा। अच्छा धन्यवाद। बिखराव के लिए क्षमा चाहता हूँ, मैं अभी अभी आया है इसलिए सामान यूं ही पड़ा है। ठीक है, मैं चाहता मेरे कैलिफोर्निया जाने से पहले स्वामी जी के रहने की व्यवस्था हो जाए। ये तो सज्जन पुरुष हैं, इसे आप अपना ही घर समझे स्वामी जी। आपकी मेहरबानी जो आपने आश्रम दिया, धन्यवाद। मेरा नाम माइकल ग्रांट है। मेरा नाम भक्ति वेदांत स्वामी है। मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? जरूर पूछो, क्या है? एक बूढ़े आदमी को पिटते हुए देख आप क्या करेंगे? बीच में दखल देंगे या आगे बढ़ जाएंगे? जब तक मैं सामने ना हूं मैं जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि वो व्यक्ति कौन है, उसने क्या किया और उसे क्यों मारा गया। आप मुझे बहुत समझदार लगते हैं। मैं भक्ति मार्ग पर चलना चाहता हूँ। दरअसल मेरे पास एक तानपुरा है, मैं उसे गाने के साथ बजाना चाहता हूँ। अच्छा, तुम्हारे पास तानपुरा है? हाँ, मैंने पाया उसे 3rd एवेन्यू की एक दुकान से। तो तुम उसे अपने साथ क्यों नहीं लाए? ठीक है, लाऊंगा। संगीत मेरी खुशी है। आपके हाथों के टकराते ही जैसे जादू हो जाता है। ये खड़ताल है, खड़ताल। बजाना चाहोगे? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, मैं दिखाता हूं। तुम बजाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। भजन की महिमा समझाएंगे? ये है हरे कृष्ण महामंत्र। इस घोर कलयुग के अंधकार में केवल इस मंत्र के द्वारा ही हमारा हृदय पवित्र हो सकता है और यही सुसंस्कृत होता है। भारत में कई भक्त इसे महामंत्र के साथ बजाते हैं। मुझे लगता है तुम भी संगीत प्रेमी हो। हाँ, कई साल संगीत सीखा है, पियानो बजा लेता हूँ। वाह, तो अगले रविवार जरूर आओ। अपने दोस्तों को भी लाना वाद्य यंत्रों के साथ। हम लोग बड़ा कीर्तन करेंगे। वाह, क्या बात है। मेरे कुछ मित्र हैं जो यहाँ पर आना चाहते हैं। तो रविवार तय रहा। आप देखिएगा स्वामी, मैं अवश्य आऊंगा। हरे कृष्ण श्रीमान माइकल। जब कोई ईश्वर से विमुख होता है तब इस भौतिक संसार की भूल भुलैया में उलझ जाता है। इस उलझन से निकलने का एक ही रास्ता है, अपने आप को प्रभु कृष्ण को समर्पित कर दो। हरे कृष्ण। पर आजकल अधिकतर लोग ईश्वर पर अविश्वास करते हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्हें ईश्वर की जानकारी नहीं है। इस दुनिया के कई हिस्सों में कई लोग नहीं जानते कि न्यूयॉर्क जैसा कोई शहर भी है जहां 100 मंजिला इमारतें हैं। लेकिन कोई उन्हें इस शहर के बारे में बताए, उन्हें इस संबंध में समझाए कि शहर कितना बड़ा है, उन्हें इन इमारतों की तस्वीर दिखाए तो वे विश्वास कर लेंगे। ठीक उसी तरह लोग ईश्वर को नहीं जानते, लेकिन कोई उन्हें प्रभु के बारे में बताए तो वे सचेत होकर उस पर विश्वास कर लेंगे और भक्ति में लीन हो जाएंगे। तो आप इसलिए यहाँ आए हैं, प्रभु के विषय में पढ़ाने? हाँ, पर हर कोई नहीं समझेगा। लेकिन तुम ध्यान से सुनो तो इस विषय में तुम सब कुछ समझ जाओगे। मैं उसे जानना चाहता हूँ स्वामी। अच्छा है, तुम एक कदम बढ़ चुके हो। ज्ञानवर्धन के मार्ग पर पहला कदम। मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। धन्यवाद। आप भारतीय हैं? हाँ, और तुम? मैं अमेरिकी नागरिक हूँ। मेरे पिता जब तुर्की से आए थे तब मैं बहुत ही छोटा था। थैले में क्या है? ये मेरी भजन माला है। मैं हरिनाम इसके साथ गाता हूँ। ओह, जैसे कि रोशनी। हाँ, ऐसा ही समझो। आप रोमन कैथोलिक हैं? मैं प्रभु का भक्त हूँ और यहाँ उनका संदेश फैलाने आया हूँ। ओह, आप कब आए? कुछ माह पहले। और आप रुके कहाँ पर हैं? यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, नंबर 33 रिवरसाइड ड्राइव। क्या वहाँ आपका चर्च है? वैसा नहीं, हमारे कई केंद्र हैं। इस देश में और साथ ही दुनिया भर के कई शहरों में हमारे कई अनुयायी और शिष्य भी हैं। पर आपने तो कहा था कि कुछ महीने पहले ही यहाँ आए हैं। हाँ, वो लोग हैं, पर अभी दिख नहीं रहे हैं। समय ने उन्हें हमसे दूर कर रखा है। ओ, तो ये बात है। मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? डेविड, ठीक? हाँ, हम पहले मिले हैं। सीधे सीधे नहीं, मेरा नाम फ्रैंक है। उस रात मैं तुम्हारी धर्म सभा में था। मैं डीवायू में दर्शन शास्त्री हूँ तथा स्वामी के भाषण में दिलचस्पी रखता हूँ और उनसे मिलकर बात करना चाहता हूँ यदि वो चाहे तो। तो क्या विचार है आपका? मेरा मतलब क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब ये एक साथ दुनिया को देखने का सकारात्मक और नकारात्मक नजरिया है। उदाहरण लो, शराब मेरे हाथ में भौतिकता है, मेरा शरीर भी भौतिक है, यानी मैं जो देख रहा हूं, सब कर रहा हूं, सब भौतिक संसार है। तो उससे होने वाला नशा भी भौतिक है और उसके अनुसार शराब, बुरी लत और नशा, ये सारा कुछ भौतिक संसार मात्र है। तो क्या फर्क पड़ता है यदि मैं शराबी हूँ, कातिल और कईयों के साथ हम बिस्तर होता हूँ वगैरह? इससे क्यों कर बचा जाए, ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। ठीक है ना? तो सवाल ये उठता है कि जब सारा संसार भौतिक है, जब हम खुद भौतिक हैं, फिर इनसे बचने का औचित्य क्या रह जाता है? मुझे समझ नहीं आता। क्यों, तुम मुझे समझा पाओगे इस विषय में कुछ? मैं इस विषय का ज्ञाता नहीं हूँ, पर जहाँ तक नशे का सवाल है, उससे मस्तिष्क में विध्वंसकारी विचार बनते हैं और नशा करने वाला कभी भी भक्ति पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। मुझे नहीं लगता आज रात तुम ध्यान लगा पाओगे मेरे दोस्त। जानता हूँ, मैं यहाँ बियर हाथों में लिए हूँ और विध्वंस की बात कर रहा हूँ। मतलब चलो देखते हैं। मैं स्वामी ऐसा कुछ नहीं, पर मैं ज्ञान की राय पर बढ़ रहा हूँ और अंत में जब मैं सीख लूंगा तो उसे भी छोड़ दूंगा, ठीक वैसे ही जैसे मांसाहार और अन्य बुरी चीजें। अरे मैं तुम्हें परख रहा था, इसमें उत्तेजित होने की कोई जरूरत नहीं। जब तक संसारी हो मेरे साथ रीति से रहो। मैं बुरा हूँ, परवाह नहीं, मतलब मुझे गलत मत समझो। मेरे ख्याल से पश्चिम दर्शन में महान सूत्र भरे पड़े हैं, पर यदि तुम सच में दर्शन पढ़ना चाहते हो तो मेरी सलाह है नित्से और सुफेनार को पढ़ो। कयामत की बात करो, पूरा वजन उस पर छोड़ दो, उस कयामत को देखो। तुम उसे जानते हो? वो मेरी दोस्त क्लेयर टैपले, बहुत चालाक और बहुत तेज। उसका कोई दोस्त है क्या? नहीं, आज रात नहीं। तुम्हें पता है मैं और मेरी दोस्त बांध पर जाकर सिगरेट पीना पसंद करते हैं। तुम चलोगे आज रात? मुझे भरोसा है तुम्हारा साथ पसंद करेगी। देखना, बहुत मजा आएगा वहां। तुम्हें बियर, सिगरेट वगैरह जो कुछ भी तुम चाहो, सभी कुछ मस्ती ही मस्ती होगी वहां। वाह, मैं जरूर चलूंगा। तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन तुम यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारे दोस्त को ढूंढ कर आता हूँ। ठीक है? डेविड की चिंता छोड़ो। उस समय जब मैं उसके साथ रहूं, उसे संभालना मेरे बाएं हाथ का खेल है। होशियारी से। डेविड, क्या है? मैंने कहा था ना कि तुम साबुन फर्श पर मत छोड़ना, ये खतरनाक है। साबुन कैसे खतरनाक होगा? फर्श फिसलन भरा हो जाता है। हाँ हाँ डेविड, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ। बस ठीक है ठीक है, देखो मैं परेशान हो गया हूँ तुम्हारी हर वक्त की टोका टाकी से, ये करो ये ना करो। अब मुझे तुम समझाना बंद करो, समझे? अब यदि कोई आत्मविवेचन के लिए योग शुरू करता है और दुर्भाग्य से सफलतापूर्वक पूरा नहीं कर पाता है तो हताश नहीं होना चाहिए। वो उसे आगे के जीवन में फिर शुरू कर सकता है और उसका जीवन सामान्य नहीं रहेगा। पर जो सफल हो जाता है उसके अंतर में आनंद ही आनंद है। वो वापस चला जाता है भगवत धाम में सात्विक जीवन का आनंद लेने के लिए। अतः हम ये कक्षा जारी रखेंगे और सबकी जिम्मेदारी है कि सप्ताह में 3 दिन आकर सीखें। और ये सब व्यर्थ नहीं जाएगा, यहाँ तक कि जब यहाँ आना बंद हो जाएगा तब भी उसका प्रभाव रहेगा। अब हम कीर्तन करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र का। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें देख रहा हूँ। दरअसल तुम्हारी हर क्रिया पर मेरी नजर है। मुझे सुनकर प्रसन्नता हुई, तुमने मुझे इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति समझा। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो। बकवास बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। मुझे अफसोस है, बस मैं सिर्फ यही नहीं कर सकता। मैं यहाँ कृष्ण भगवान के पवित्र नाम का प्रचार करने आया हूँ और आपके अनुरोध पर अपने लक्ष्य से नहीं हट सकता। लेकिन तुम्हें यह रोकना पड़ेगा। यह हमारी दुनिया है और हमारा राज चलेगा। नहीं, ये संसार तुम्हारा नहीं। हर चीज भगवान कृष्ण की है, वही असली अधिकारी हैं। और मैं सारे लोगों को यही बात याद दिलाने आया हूँ, स्वयं तुम्हें भी। नहीं, अब यह काली का युग है और वही है इस शासन का अधिकारी और शासक। यदि तुम उसके सामने नहीं झुकोगे तो तोड़ दिए जाओगे। तुम कलयुग के प्रतिनिधि हो। हाँ, अपने स्वामी का वफादार भक्त हूँ जो इस संसार का इकलौता शासक है, जो अपनी साम्राज्य शक्ति से सभी की इच्छा पूरी करता है। और उसका परिणाम लोग भुगत रहे हैं। संसार दुखों से भर गया है। विध्वंस, युद्ध, हिंसा ने मानव समाज को पूरा जकड़ लिया है। इसलिए मैं संसार को बचाने आया हूँ। तुम्हें पता नहीं तुम्हें कौन बचाएगा और तुम संसार बचाने निकले हो। चारों ओर देखो, लोग मजा लूटना चाहते हैं तो उन्हें मजा लूटने दो। ध्यान से देखो उनकी अद्भुत और शानदार सफलताओं को, वो कितने खुश हैं तो जानो कि कितनी अद्भुत हैं। तुम क्या जानो कि ये चमकीली सफलताएं वास्तव में उनके लिए कितनी दुश्वारियां खड़ी कर रही हैं, उन्हें पागल बना रही हैं। इस खुशी को तुम क्या कहोगे? ये खुशी नहीं, उन्माद है, उन्माद। तुम क्या ये सब देखकर भी ना समझ बने रहोगे? वो हर हाल में हमारे नियंत्रण में है, हमारी संपत्ति है, समझे तुम? उन्हें हमसे दूर करने की सोचना भी मत। मैं उन्हीं को तो छुड़ाने आया हूँ तुम्हारे शैतानी पंजों से, और मैं इसके लिए लड़ता ही रहूंगा अपनी आखिरी सांस तक। ये बूढ़ा जर्जर अकेला आदमी हमारे स्वामी को ललकारने की तैयारी कर रहा है, वो जो इस युग का स्वामी है, जिसके वश में सारा संसार है, जिसका चप्पे चप्पे पर अधिकार है। यह आदमी जरूर कोई पागल है। तो कैसे? As a national security measure, President Johnson signed a bill today to commit 10,000 more troops to Vietnam. The President said this in a press conference held at a United Nations meeting in Bern, which will end tomorrow. The situation in Vietnam, he said, is a very delicate one and must be handled with strict attention. The main factor in this war, according to the White House, is the possible loss of U.S. soldiers, which must be avoided at all costs. In Lima, Peru, a devastating earthquake hit the capital last night. It came as a complete surprise at 4:24 a.m. According to experts, an estimated 5,000 people died and 3,000 are still missing. The Peruvian government has mobilized the army in an intense emergency rescue mission. This was the biggest earthquake in Peru since 1892. In the world of sports, the Boston Celtics defeated the Philadelphia 76ers in overtime. मेरा ज्ञानवर्धन करोगे? मुझे पता है ज्ञान क्या है। मुझे ज्ञान के लिए स्वामी नहीं चाहिए, मैं जानता हूँ क्या करना है। मेरा परिचय ज्ञान से है, ज्ञान से है मेरा परिचय। कैसे हो परम ज्ञान? कहो प्रेसिडेंट, कैसे हो? कैसे हो प्रेसिडेंट जॉनसन? कैसे हो स्वामी जी? हेलो बोलो, मैं हूँ जॉनसन। for David. Hare Rama, Hare Rama, Rama